हेलो गाइस, दिस इज शशांक सिंह और आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर NTSE मैथ क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक एक्स के पावर 4 प्लस 4 वाई के पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। और ऑप्शंस हैं ए 4xy, 2x2, y2, 2xy एंड 4y2, x2। तो ओके, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूं, उससे पहले आप एक बार इसको ट्राई करें, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, उसके बाद अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो सॉल्यूशन को देखें। तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। एक्चुअली जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं परफेक्ट स्क्वायर के, तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास कौन कौन से फार्मूले हैं। तो एक फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर के परफेक्ट स्क्वायर के हमारे पास कौन कौन से फार्मूले हैं। एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, एक जो है थ्री टर्म्स वाले भी होते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, तो हम दो वाले बस देखेंगे। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमारे पास ये दोनों फार्मूला, अब हमें कौन सा चूज करना है, क्योंकि एग्ज़ाम हाल में हमारे पास कम टाइम होता है, तो उस टाइम पर हमें सबसे ज़रूरी है कि कौन से फार्मूले को सेलेक्ट करें, जिससे कि हम टाइम कम लगा पाएँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, मतलब कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सा जो है टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा, तो हम क्या करेंगे, वैसे हम किसी को लेकर कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट वाला देखना है। तो हम इस वाले फार्मूले को लेंगे, यहाँ पर रखा हमने। अब जो है हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है हमें दिख रहा है, एक टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमें इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हमें नहीं पता चलेगा कि कैसे कौन सा ए है और कौन सा बी है, तो हम किसी को भी ए मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4। ठीक है, हमने मान लिया कि ए स्क्वायर है एक्स के पावर 4। हम यहाँ पर ए को ए स्क्वायर को मान सकते हैं, 4y के पावर 4 किसी एक को, अगर हम एक को ए स्क्वायर मानते हैं तो इसको मानेंगे बी स्क्वायर इक्वल्स एक्स के पावर 4। या फिर यहाँ पर अगर ए स्क्वायर कितना मानते हैं तो बी स्क्वायर को मानेंगे 4y के पावर 4। ठीक है, किसी को भी ले सकते हैं। अगर हम इस वाले को लेते हैं तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी आएगी एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी आएगी 2y2। ठीक है, अब जो है हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2ab। तो हम क्या करेंगे, 2ab इक्वल्स 2 इंटू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 2y2, यह कितना आ जाएगा 4x2y2। हमें कितना मिला, 4x2y2, हमें इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमें ये सब फार्मूले याद होने चाहिए, कि जिससे कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ए वाला फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब का हो गया, ए माइनस बी के होल क्यूब का हो गया, ऐसे ही और भी कुछ फार्मूले हैं, इनको हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो एक क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, इफ़ इट्स हाइपोटेन्यूस इज 10 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज, मतलब कि हिंदी में अगर बोलें तो एक जो है समकोण त्रिभुज है, उसके जो परिमाप है 24 सेंटीमीटर है और उसका कर्ण जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है ये पूछा है।
इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज जैसे मैं बना रहा, राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी खास बातें होती है कि इसमें जो एक एंगल होता है 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब 90 डिग्री पे होने का मतलब हो गया कि आप इसमें अगर एक ए साइड ए है, एक बी है और एक ए सी है, तो आप इसको इसमें एक आप रिलेशन आपको मिल जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें आप लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि कुछ ट्रायंगल्स होते हैं जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। इक्विलेटरल में क्या होता है कि जितनी भी आपकी साइड्स होती हैं, ए साइड और ए साइड, ये सब इक्वल होती हैं। अगर एक साइड की लेंथ अगर आपको दिया हो ए है, तो ए वाली भी साइड क्या होगी, आपकी ए होगी, और ए वाली भी साइड क्या होगी, ए भी ए होगी। यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। अब एक चीज़ आपको और बता दें कि जो भी एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो एंगल सामने वाले साइड पे डिपेंड करता है। अगर बात करें कि कौन सा एंगल कितना बड़ा होगा, तो अगर कोई साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल वो उतना ही बड़ा होता है। इसी पर एक थ्योरम है कि दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके जो सामने वाले एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। यानी कि अगर हम बात करें ये साइड इस साइड की इक्वल है, तो इस साइड के सामने एंगल ये हो गया, जिसको हम नाम दे देते हैं एक्स, ये वाला एंगल एक्स है। और अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इसके सामने का एंगल हो गया ए, जिसको हम नाम दे दिए वाई। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके सामने के जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एक्स एंगल एक्स इक्वल्स एंगल वाई। लेकिन आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी साइड, ए साइड और ए साइड तीनों इक्वल हैं, तो क्या होगा, अगर हम इसको भी जेड एंगल देते हैं तो क्या होगा, इक्वल्स हो जाएगा एंगल जेड, यानी कि तीनों एंगल जो होंगे, ए वाला एंगल और ए वाला, तीनों इक्वल होंगे। इक्विलेटरल को हिंदी में बोलते हैं समभुज त्रिभुज, मतलब कि जिसके सभी भुजाएं, भुजाएं मतलब साइड्स इक्वल हों। ओके, तो अब बात करते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी कि जिसमें जो है दो साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, जैसे कि हमने इसमें बना रखा है, इस ट्रायंगल में दो साइड्स ए साइड और ए साइड इक्वल हैं, यानी कि अगर ए साइड इसकी लेंथ है ए, इस वाली साइड की भी लेंथ होगी ए, ठीक है। अभी मैंने आपको एक बताया था कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल हैं, यानी कि इस वाली जो साइड है इसके सामने का एंगल ये आ गया। हमें एंगल कैसे देखना है, सामने का दोनों पॉइंट्स को इसके पकड़ेंगे हम, और ये जहाँ पर एक दूसरे को मीट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, वहाँ पर जो एंगल होगा उसके सामने का एंगल होगा। तो हमने इसको दोनों को पकड़ा और ये कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर, ये वाला एंगल हो गया, जिसको हमने नाम दे दिया एक्स, ठीक है। अब ऐसे हम बात करते हैं इस वाले साइड की, तो इसके सामने एंगल कौन सा होगा, हम दोनों को पकड़ेंगे और यहाँ पर आ गए, ये वाला एंगल हो जाएगा, इसको हमने नाम देंगे, अगर हम इसको वाई देते हैं, यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, एक्स और वाई में एंगल एक्स इक्वल्स एंगल वाई, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बात करते हैं स्केलिन ट्रायंगल के बारे में। इस ट्रायंगल की खास बातें होती है कि इसमें कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, मतलब कि ए साइड ए है, ए बी है, ए सी है, तो इसमें रिलेशन होता है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। अब कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो कोई भी एंगल भी इक्वल नहीं होगा, एक्स वाई और ए जेड, तो एंगल एक्स
इज नॉट इक्वल टू एंगल वाई इज नॉट इक्वल टू एंगल जेड, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो हमने अभी कुछ त्रिभुज के बारे में देखा, ट्रायंगल्स के बारे में देखा, और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो है आप एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, फिर अगर आपका सॉल्यूशन नहीं आता है तो आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो पहले सबसे पहले इसका एक फिगर बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है कि एक एंगल 90 डिग्री, ये हमने मान लिया ए साइड है, ए इस साइड की लेंथ है बी और इसकी है सी, ठीक है। पेरीमीटर दिया यानी कि परिमाप दिया, पेरीमीटर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स दिया है 24, हमारे पास एक रिलेशन है। और एक चीज़ है हाइपोटेन्यूस यानी कि सी की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास एक रिलेशन यहाँ से निकलेगा कि ये जो ट्रायंगल दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इससे क्या रिलेशन मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर, और सी की वैल्यू हमें पता है, तो हम सी की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। एक चीज़ और है कि अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन को देख करके आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को क्या करें कि जो भी दे रखा है उसको नोट डाउन कर लें, और हमें क्या फाइंड आउट करना है उसको भी लिख लें। अभी इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया कैसे फाइंड आउट होगी इसके लिए हम एरिया कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है ए है, और हाइट, हाइट कितनी है बी है, यानी कि 1/2 ए बी, ये हमें निकालना है। ए और बी की अगर हमें वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एक रिलेशन है प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 24 और सी इक्वल्स दे रखा है, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी को रखेंगे, सी की वैल्यू 10 हो गई तो ए प्लस बी इक्वल्स 14। तो अब हमने क्या किया, ए जो था इसकी भी हमने वैल्यू लिख ली यहाँ पर और सी की भी, ये सब हमने इसको दिया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको देख करके पता लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 100 है और ए प्लस बी इक्वल्स 14 है, आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हम उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। हमने क्या किया, दोनों साइड्स का स्क्वायर किया तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स ये कितना हो जाएगा 69196। अब आपको देख करके लग रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे कितना रखेंगे 100, तो कितना हो जाएगा 2ab इक्वल्स 196-100 इक्वल्स 96, ठीक है। हमारे पास क्या मिल गया 2ab इक्वल्स 96, तो ए बी इक्वल्स 96/2 हो जाएगा 48। और हमें क्या निकालना है, अगर हम ए बी की वैल्यू मिल जाती तो क्या करते एरिया निकाल लेते, हमारे पास ए बी की वैल्यू मिल गई तो क्या होगा एरिया कितना हो जाएगा 1/2 ए बी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि जो भी हमारे यूनिट्स हैं लेंथ की क्या है ए बी सेंटीमीटर में, ए बी सेंटीमीटर में, और जो एरिया है ए बी यानी कि ए सेंटीमीटर बी सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी कोई होल स्क्वायर का टर्म या फिर होल क्यूब या फिर इस तरह से कोई टर्म दिखे और आपको कुछ ना समझ में आए कि वहाँ पर क्या करना है,
तो आप एक बार जरूर जो इसके स्क्वायर्स के परफेक्ट स्क्वायर के फार्मूले हैं या फिर परफेक्ट क्यूब के फार्मूले हैं उसे जरूर ट्राई करें। ठीक है। अच्छा, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें एक चीज़ था पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब सिंपली मतलब अगर हम बताया जाए तो वो होता है कि जो आपकी लेंथ होती है साइड साइड्स की वो होती है। अगर मैं बात करूँ एक स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर है, अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर सिंपली होता है जो भी इसकी साइड्स की लेंथ है। ठीक है। अगर जैसे हम अगर इसकी साइड्स पे चलें तो हम कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, जैसे अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया इसके साइड्स पे चलना, ऐसे हम चलते गए, ठीक है, यहाँ तक आए ये वाली लेंथ, प्लस यहाँ से आए यहाँ तक ये लेंथ, प्लस यहाँ से आए वो लेंथ, और यहाँ से आए, तो जो इसकी लेंथ है साइड्स की वो होती है इसकी पेरीमीटर। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो ये भी ए डिस्टेंस होगी, ये भी ए डिस्टेंस, ये भी ए डिस्टेंस, और ये भी ए डिस्टेंस, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a। ऐसे अगर हम बात करें एक रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में क्या होगा, दो साइड्स इसके इक्वल होती हैं। अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड ए होगी, ये साइड बी है तो ये भी बी होगी। अब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होगा, वो हो जाएगा, हमने यहाँ से यहाँ तक चला ए डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक गए प्लस बी, यहाँ से आ गए प्लस ए, और फिर यहाँ से यहाँ तक गए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस ए 2a प्लस बी प्लस बी 2b। तो आपने फार्मूला याद किया होगा कि जो भी पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है रेक्टेंगल यानी आयत का, वो क्या होता है, 2 × ए प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस प्लस विड्थ यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको ये आपको जो है पेरीमीटर के फार्मूले को कभी भी याद नहीं करना। ठीक है। आप डायरेक्ट उस फार्मूले को निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे अभी हमने ट्रायंगल की बात की थी, ठीक है, ट्रायंगल में क्या है, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें क्या होगा, अगर ए बी ए है, ए बी है, सी है, तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ए लेंथ ए है, ए लेंथ बी है, ए लेंथ सी है, तो इसका पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। और एक चीज़ है एरिया। एरिया क्या होता है, ठीक है, एरिया का मतलब होता है अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो पूरी चीज़ है जिसको मैं कवर कर रहा, ये सब पूरा पूरा एरिया होता है आपका, ये चीज़ एरिया होती है, ठीक है, जिसको मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ, ये पूरी आपकी एरिया होती है। तो इसमें क्या होगा, आपके पूरा निकालने के लिए अगर आप इसको लेंथ और विड्थ की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा पार्ट आपका आ जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर ट्रायंगल की बात किया जाए, इसमें भी इस केस में इसका फार्मूला इसलिए अलग होता है क्योंकि इसका एरिया पूरा ये वाला पार्ट होगा, जो ज्योमेट्री बनती है ये सब होता है। ठीक है। तो इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है।